तो भाई वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और न्यू ब्लॉग में भाई क्या है कि उधर से नेत्रहाट से लौट के आए, उसके बाद हम लोग आज सुबह की गाड़ी से पूरे फैमिली हम लोग वापस आ गए हैं, वाइफ बच्चे सब वापस आ गए हैं। और सबसे जो वर्स्ट न्यूज जो आप लोग को मिल ही चुका होगा कि ग्रुप डी में भी अभी दो एग्ज़ाम होगा, ये सबसे ख़तरनाक और सबसे भयावह आज का मतलब आपका न्यूज। ये पहले जो था कि अपना सिंगल एग्जाम दीजिए और रनिंग कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ग्रुप डी में जो भाई नया प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले ग्रुप डी में यही था कि सिंगल एग्ज़ाम दीजिए, जो पास हुआ उसके बाद सीधा दौड़ होगा। दौड़ 1600 मीटर का होता था और उसमें फिर जो पास हुआ 1.5 किलोमीटर मेरे को लगता है, हाँ उसमें फिर जो पास हुआ फिर डायरेक्ट उसको डायरेक्ट सोच लीजिए कि उसका 99.99% हो गया है कि उनका हो गया सर्विस, उनका डायरेक्ट मेडिकल और आपका और जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता था। लेकिन अब जो है ये नया पेचीदा और सबसे ख़राब बोल सकते हैं कि ये एकदम ख़राब से भी ख़राब डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है कि ग्रुप डी में अब CBT 1 देंगे, फिर CBT 2 देंगे, उसके बाद फिर दौड़ होगा। दिस इज़ नॉट फेयर। अब ग्रुप डी जॉब की बात करें तो ग्रुप डी जॉब एक निम्न स्तर का जॉब है, एकदम नीचे स्तर। ग्रुप डी में ट्रैकमैन, गेटमैन, गैंगमैन, कीमैन, पोर्टर, मतलब आप जॉब आप जब पढ़ के आओगे, जब पढ़ लिख के आओगे तो, और जब आपको ये जॉब मिलेगा, ये काम करना पड़ेगा, तो आपको बहुत परेशानी होगा। बहुत मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब मतलब जॉब के ख़राब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ एग्ज़ाम का कंपेरिजन इस जॉब से मैं कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम इतना बड़ा तरीका से ले रहे हो कि दो एग्ज़ाम देंगे फिर ये लेंगे, या कोई ISIPS का एग्ज़ाम थोड़ी ना है कि आप इतना बड़ा क्राइटेरिया रख रहे हो कि इसके लिए दो तीन एग्ज़ाम लीजिएगा और फिर जाके आप फाइनल कीजिएगा लड़का को। तो लड़का का ऐसे जो मतलब मेरे को लगता है कि जो भी मध्यम स्तर का लड़का जो आना चाहता है जॉब में, वो तो ऐसे पस्त हो जाएगा। अरे जो बहुत तेज़ है तो बहुत तेज़ के लिए तो बहुत सारा जगह है, बहुत जो बहुत अल्ट्रा टैलेंटेड है तो वो टैलेंटेड बंदा लोगों के लिए बहुत सारा स्कोप है। हम लोग एक मध्यम वर्ग की मिडिल क्लास एक आराम से तैयारी करके हम लोग आने का जो हम लोग एक चांस था, एक तो पहले आप रिजल्ट निकाल दिए, इतना हेवी कट ऑफ दिए हैं आप एक रिजल्ट में कि मतलब बोलता नहीं है, थूकता हूँ तेरे मुंह पे वो वाला हाल है, वो डायलॉग मेरे मुंह से निकलता है कि क्या चीज़ का कट ऑफ आप दिए हो यार, इतना क्या कट ऑफ होता है, 94% कट ऑफ, 94 कट ऑफ चल जाएगा फॉर्म में और एक आदमी का तीन जगह रिजल्ट आ जाएगा, ये कोई मतलब हुआ है। वर्किंग का बात करेंगे ग्रुप डी में क्या क्या वर्किंग है, तो भाई ग्रुप डी में आपको ट्रैक में दिन हो या रात हो ट्रैक को देख के जाना पड़ता है, ट्रैक को देख के आना पड़ता है रात भर होल नाइट। ये एक ट्रैकमैन या गैंगमैन बोल दीजिए, उसका एक ड्यूटी रहता है कि वो रात भर जगते रहेगा और ट्रैक में चलते रहे, ट्रैक में एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन चलेगा और वो बोलेगा कि ट्रैक यस, और काम है घास काटना तक काम है, पेटी उठाना काम है, और आपका चाय लाना काम है, ये सब काम के लिए क्या आप दो एग्ज़ाम ले रहे हो, बोले किस स्तर का एग्ज़ाम ले रहे हो भाई। आप अगर आपको ये सीधा बोल दो ना नहीं लेना है तो कि नहीं लेना, हम एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे, इससे बढ़िया जब हम लोग जब ऑफलाइन एग्ज़ाम देते थे तो सबसे क्विक एग्ज़ाम भी होता था, क्विक रिजल्ट भी निकलता था और पोस्टिंग भी होता था। सर ये ऑनलाइन इतना सारा ड्रामा, पहले एक एग्ज़ाम में पास होगा फिर दूसरा एग्ज़ाम में पास होगा क्या। तो भाई स्टूडेंट लोग सब यही बोलेंगे कि भाई अब क्या कीजिएगा, जो नियम निकल गया निकल गया, और विरोध तो कीजिए भाई, पूर्ण जोर विरोध कीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में होता है कि कुछ होने वाला है नहीं, और पढ़िए और क्या कर सकते हैं।
पढ़ना पड़ेगा, रगड़ के नहीं पढ़ेगा ना भाई, कोई चारा नहीं है। अभी तो हम लोग सोचते कि जैसे भी करके आ गया है, नहीं तो यार हालत ख़राब हो जाता भाई। अपने पास तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मेरे साथ भी होता तो भी हम अंतिम दिन तक पढ़ते हैं और निकाल के छोड़ते। जितने भी तुम कर लो सितम हंस हंस के सहेंगे हम, पढ़ना है पढ़ते ही रहना है, छोड़ना नहीं जब तक नौकरी नहीं मिलेगी। सब विपरीत हो रहा है भाई, लेकिन जो इसमें छोड़ दिया, जो हार मान लिया, हाथ उठा दिया, वो बंदा गया। लेकिन जो भाई विपरीत परिस्थिति में भी खड़ा रहा, टिक रहा, तो भाई मौका मिल रहा है, एकदम उड़ेगा। चुनाव आने वाला है इसलिए लगे रहिए, जोरदार वैकेंसी पक्का आएगा, पक्का पक्का। हर बार का यही फंडा है, आते ही आता है। और भाई यही मतलब क्या बोलेंगे, आंधी में उड़ी चाहिए, निकल जाइए सर। दो एग्जाम ले, तीन एग्जाम ले, ज़्यादा वैकेंसी अगर निकालेगा तो चांस ज़्यादा रहेगा निकलने का। तो बस चुनाव का इंतजार और चुनाव का फ़ायदा लेना। तो भाई मेरा जो है अभी कल से ड्यूटी जाना है आज भर का, तो आज का ब्लॉग हम आज ही आपको दे रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ कि नेत्रहाट वाला ब्लॉग था, तो नेत्रहाट में हम ब्लॉग बनाए थे, बट नेत्रहाट का ब्लॉग आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर नेत्रहाट का ब्लॉग हम सोचे कि क्या डालेंगे, नेत्रहाट भाई लोग ऐसे परेशान हैं और हम इन्जॉयमेंट का ब्लॉग डालेंगे, ये कोई मतलब का मतलब नहीं बनता है। कि मेरा भाई लोग निकले तब ज़्यादा हम खुशी का कुछ ब्लॉग डालेंगे, नाच गाना डांस का ब्लॉग डालेंगे तो भाई लोग इन्जॉय करेंगे। लेकिन अब तो खुद ही परेशान है तो लोग क्या इन्जॉय करेगा यार। तो भाई पढ़िए रगड़ के, चार पढ़ते थे 4 घंटा, तो अभी 8 घंटा पढ़िए, 2 एग्जाम निकालना है और करना है। जगन्नाथ भाई जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए थे देख के और बोल रहे थे। तो भाई जगन्नाथ जी आप एकदम बढ़िया से पढ़िए, एकदम होगा भाई। 3 साल आप दिए टाइम, और अगर आप 6 महीना टाइम दीजिए, एकदम 110% होगा। और जगन्नाथ के साथ 8 जितना भी सब्सक्राइबर है यार, जितना भी दोस्त, जगन्नाथ कमेंट कर दिया था इसलिए उनका नाम याद है। और भी भाई जितना भी को लगता है कि अक्सर अभी 2 एग्जाम हो गया, हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, निकालिएगा भाई। अरे हम ही लोग में से कोई ना कोई लड़का निकालेगा, तो आप वो लड़का क्यों नहीं हो सकते। तो आके पहले कैसे मजा आ रहा है? अरे यार बॉडी बनाओ साफ कर करके। हाँ। उठ लो तो कांच है नहीं ना। ओए ओए गुड्डू, क्या हो गया बेटा? ओ तो मेरे से घटित एक बात बोलेंगे जिससे आपको शायद थोड़ा किक मिले। तो भाई जब हम भी तैयारी कर रहे थे तो एग्ज़ाम तो तबाह का होता था हम लोग का समय, ठीक है, एक एक फिर तीन तीन सेट के लिए बहुत सारा एग्ज़ाम निकलता था। तो हम लोग को ज़्यादा मौका मिलता था, ज़्यादा एग्ज़ाम देते, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता था कैसा एग्ज़ाम क्वेश्चन चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ तो किक की बात करेंगे तो रेल का तो सारा एग्ज़ाम देते थे, लेकिन मेरे के पास एक इतना अच्छा मौका था, एक परमाणु विभाग का एक एग्ज़ाम निकला, ठीक है, परमाणु विभाग का निकला था 60 सीट के लिए, सिर्फ 136 जन एग्जाम देने आया था। सोचिए 60 सीट के लिए भाई 136 जन, मतलब जो तैयारी कर उसमें करने वाला होगा उसका डेफिनेटली होगा। लेकिन उस दिन मेरे साथ हुआ क्या कि उस दिन मेरा और एक एग्ज़ाम था मल्टीटास्किंग स्टाफ का कोलकाता में, तो और वो एग्ज़ाम था सिकंदराबाद में। तो सेम डे में मेरा दोनों एग्ज़ाम था, तो मेरे को डिसाइड करना था किसमें जाए, क्योंकि कोलकाता मेरे घर से सामने है। तो हम डिसीजन ले लिए कि हम कोलकाता जाएंगे, सिकंदराबाद नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए भाई अगर लकीली जाते हैं तो 110% मेरा वहाँ होता ही होता, क्योंकि मेरा पिकअप में था, तैयारी था अच्छा और एग्ज़ाम निकल ही रहा था, ठीक है, MTS भी हुआ बट छोड़ दिए फिर। तो ये बात हम इसलिए बोलना चाहते थे कि रेल तो आप पे कर रहा है अत्याचार,
तो इतने टेंशन लेने की बात नहीं भाई, जो भाई सही दिशा में जा रहा है तो उसको मौका ना मौका कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन से मिल ही जाएगा, शायद वो परमाणु विभाग का एग्जाम आपके नसीब में आ जाए। तो भाई इसलिए तैयारी करते रहिए दबा के, उतना टेंशन मत लीजिए।